देखते हैं दिन भर। जनपद में बाढ़ की विभीषिका कम होने का नाम नहीं ले रही है। राप्ती, सरयू, आमी सहित अन्य नदियां खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही हैं, जिससे तेजी के साथ गांव बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में प्रभावित लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा 200 से अधिक नावों को लगाया गया है। वहीं संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रभावितों को हर संभव मदद करने का निर्देश भी दिया गया है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। अभी नदियां अभी उफान पर ही हैं। राप्ती नदी भी अभी अपने आज भी उसमें चढ़ाव दर्ज किया गया है। सरयू जी में आज भी चढ़ाव दर्ज किया गया है और अभी राप्ती में एक दो दिनों तक और चढ़ाव दर्ज होने के बाद वो फिर डाउनफॉल होने की संभावना है, क्योंकि अपर कैचमेंट एरिया में वो डाउन हो रही है, तो हो सकता है आगामी 2 से 3 दिनों में यहाँ भी डाउन होना शुरू हो जाए। लेकिन सरयू जी में पानी काफी ज्यादा है और अभी वो स्टैक करने की है और अभी वो पानी कुछ समय तक रहेगा। तो आपकी चैनल के माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि नदियों का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है, नदी किनारे कतई न जाएं, क्योंकि कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। तो इसलिए खासतौर से बच्चों पर भी विशेष ध्यान रखें और नदियों के किनारे जाने से अपने आप को रोकें। अब तक कितने गांव हैं जो पूरी तरीके से मतलब पानी से घिरे हुए? देखिए प्रभावित ग्राम तो 202 है, लेकिन अभी जो पूर्ण रूप से मतलब जो बाढ़ से मतलब मैरूड ग्राम है वो इस समय 76 ग्राम है। लेकिन ये संभावित है कि आज कुछ और ग्राम उसमें बढ़ेंगे, तो क्योंकि नदियों का जलस्तर बढ़ा है। तो अभी सायंकाल जब रिपोर्ट आ जाएगी हमारे पास 6 बजे तक सभी तहसीलों से, तो उसके बाद जो अद्यतन रिपोर्ट होगी।